Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel. आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ MBO Management by Objective and the idea was presented by Peter Drucker. This lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same lecture in English language, just click on this link. This link will lead you to my English language video for the same topic, Management by Objective, MBO by Peter Drucker. So without further delay, here we go. वेलकम बैक. अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं जनाब. देखिए, ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट है, ये थर्ड मैनेजमेंट परस्पेक्टिव है एंड दिस वॉज प्रेजेंटेड बाय पीटर ड्रूकर. पीटर ड्रूकर पैदा हुए थे 1909 में, इंतकाल हुआ इनका 2005 में. बेसिकली इन्होंने जो मेन आइडिया प्रेजेंट किया वो था जो मैं भी यकीन रखता हूँ, और वो आइडिया ये था कि एम्प्लॉयज आर द की टू सक्सेस फॉर एनी बिजनेस. सबसे बड़ा एसेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके एम्प्लॉयज होते हैं, जो उसके वर्कर्स हैं. यही वो लोग हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हिम्मत देते हैं, तकवीत देते हैं, उससे उसका ऑब्जेक्टिव, उसका विजन, उसका गोल अचीव करवाते हैं. तो एम्प्लॉयज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, MBO. ठीक है, दूसरी चीज़ जो वो कहता है कि मैनेजमेंट को अपनी इन्वॉल्वमेंट कम रखनी चाहिए ऑपरेशंस में, लीस इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट होनी चाहिए डेली ऑपरेशंस में. तीसरी चीज, ही बिलीव्स इन डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर. अब ये आपको अभी नहीं आता होगा सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा जल्दी, जिसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर. मूव करते हैं आगे, गौर से देखें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन लिखी हुई क्या है. देखो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ प्रोसेस. सबसे पहली चीज क्या है, ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है इन विच मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज बोथ एग्री ऑन अ स्पेसिफिक गोल एंड देन डेवलप एन एफिशिएंट प्लान टू रीच दीज गोल्स और दोज गोल्स. Try to understand. Management, employees, दोनों एक पॉइंट पे आ गए, दोनों एग्री कर रहे हैं. उन्होंने बोला भाई ये ऑब्जेक्टिव है जो हमने अचीव करना है, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने एक प्लान दोनों ने मिल के डिवेलप करना है. मैनेजमेंट नहीं देगी प्लान, दोनों मिल के डिवेलप करें ताकि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए. दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. आगे बढ़ते हैं. अब मैं यहां पर आपको देना चाहता हूं, किसी भी फैशन बुटीक, कोई भी फैशन ब्रांड ले लें, उसकी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. फॉर एग्जांपल, वो ये डिसाइड करता है कोई फैशन ब्रांड कि यार हमने ना जिस मार्केट में हम ऑपरेट हो रहे हैं, भले साउथ एशिया मार्केट है, पूरी मार्केट या कंट्री के अंदर, हम नंबर वन टॉप ब्रांड बनना चाहते हैं, फर्स्ट चॉइस बनना चाहते हैं कस्टमर की. अब खुद सोचें कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ये टास्क सेट किया है, अपना एक लॉन्ग टर्म गोल, एक विजन को सेट किया है, तो क्या उन्हें जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है या सपोर्ट है किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को देनी चाहिए? फॉर एग्जांपल, कस्टमर सर्विस वालों को जो है वो डिपार्टमेंट को उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे कि हाँ भाई हम तुम्हारी ट्रेनिंग भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, तुम हमें टास्क अचीव करवा के दोगे. डजंट मेक एनी सेंस. तमाम डिपार्टमेंट्स को मिलके काम करना होगा उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. ठीक है, तमाम डिपार्टमेंट्स, चाहे वो सेल डिपार्टमेंट है, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, चाहे वो प्रमोशनल डिपार्टमेंट है, चाहे वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, या वो कोई भी डिपार्टमेंट, सब लोग, सारे डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल लेवल पे सबकी सोच एक हो, सबकी सिम्त एक हो, सबको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए, हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, जब जाके ऑर्गेनाइजेशन अपना वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकेगी, वरना नहीं हो सकता. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. देखो, गौर से समझो, पीटर ड्रूकर कहता है कि मैनेजर्स हैव फाइव बेसिक फंक्शंस टू परफॉर्म. पहला फंक्शन क्या है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजर्स आर द वन जो ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे. ठीक है, करते कैसे हैं, अपने एम्प्लॉयज के साथ, सबके साथ मिलके.
लेकिन इस वक्त वो डिस्कस क्या कर रहा है, वो डिस्कस ये कर रहा है कि फाइव बेसिक फंक्शंस है, मैनेजर कौन है, ये ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं पहली चीज़। दूसरा कहते हैं मैनेजिंग टास्क इन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स टास्क को डेली रूटीन के टास्क हों, वो मंथली टास्क हों, ईयरली टास्क हों, जो भी टास्क हैं डिपार्टमेंट को दिए हैं वो, और लोग, इन दोनों को ऑर्गेनाइज करते हैं, इन दोनों को लेके चलते हैं, मैनेज करते हैं मैनेजर्स, कौन, मैनेजर्स। दूसरी चीज। तीसरा वो कहता है कम्युनिकेशन एंड मोटिवेटिंग पीपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेशन दो तरफा कम्युनिकेशन है, एक वो मैसेज दे रहे हैं, मैसेज ले रहे हैं, हर तरह की कम्युनिकेशन चाहे वो वर्बल है, ओरल है, रिटन है, जिस तरह की भी है, ये सारी कम्युनिकेशन जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजर्स की। और कम्युनिकेशन बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा आर्ट है। आपकी ईमेल का छोटा सा अंदाज बहुत बड़ा इंपैक्ट ले आता है किसी जगह पे, ठीक है, आपके बोलने का एक छोटा सा अंदाज बहुत बड़ा इंपैक्ट ले आता है। तो बेसिकली मैनेजर्स आर द वन जो कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, मैनेजर्स परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। आपने ये अप्रेजल का वर्ड सुना होगा, इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें सिखाऊंगा आप लोगों को कि अप्रेजल बेसिकली कितनी तरह के होते हैं, क्या होते हैं। अप्रेजल में क्या होता है, बेसिकली वो परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं, यार हमने ये परफॉर्मेंस, हमने ये टास्क सेट किया था, हमने यहाँ तक पहुँचना था, क्या एम्प्लॉई यहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या ये सेम डायरेक्शन पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो एक्सपेक्टेशंस है एम्प्लॉई से क्या वो पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस एज वेल। एंड द लास्ट थिंग इज बट नॉट लीस्ट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज एज वेल। ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने एम्प्लॉयज की करियर डेवलपमेंट पे काम करें, उनकी ग्रूमिंग करें, जहां जहां उन्हें ट्रेनिंग चाहिए, जिस तरह उन्हें ट्रेनिंग चाहिए, प्रोवाइड कौन करेगा, मैनेजर करेगा, ठीक है। ये फाइव बेसिक फंक्शंस हैं जो पीटर ड्रूकर के नज़दीक एक मैनेजर परफॉर्म करता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बेसिकली हम बात करने वाले हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन एमबीए। ड्रूकर ने यहाँ 4 पॉइंट एजेंडा पेश किया है कि अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के प्रस्पेक्टिव में रहते हुए, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करें। अच्छा, ये 4 पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहला है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली क्या होता है, मैनेजर्स मस्ट सेट आउट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए, पहुंचना कहाँ, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। हमें बढ़ना है भाई, कितना बढ़ना है, कहाँ बढ़ना है, कितना परसेंट, किस डिपार्टमेंट में बढ़ना है, किस फील्ड में बढ़ना है, हमें टॉप पे जाना, टॉप पे किस हवाले से जाना है, कस्टमर सर्विस के हवाले से जाना है, इनोवेशन के हवाले से जाना है, बहुत सारी फील्ड। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर सेट किए जाने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के, पहला रूल। रूल नंबर टू वो कहता है कि दे मस्ट मेक प्लान्स एंड एवरीवन शुड रियलाइज द ऑब्जेक्टिव। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। वो क्या होती है, जितने भी लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सबको पता हो कि यार हम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ का क्यों काम कर रहे हैं, उन्हें रियलाइजेशन होनी चाहिए। जैसे आप ये एलॉन मस्क, इनके ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखते हैं, एंथुसियाज्म की भी इंतहा है जो लोग काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं यार हम बहुत आगे जा रहे हैं, हम जिस एक फील क्रिएट कर दी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबको रियलाइज होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये रियलाइजेशन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्टिक टू प्लान। जो प्लान सेट किया है, जो पाथ सेट किया है पहुंचने के लिए, स्टिक कर जाए उसको, ठीक है। उसमें आने वाली हर्डल्स की वजह से वो कहता है अपने पाथ को चेंज ना करें कि यार हम अरे यार ऐसा करते हैं ऐसा कर लेते हैं, आपको फिर से नए मसाइल को डील करना पड़ेगा। वो कहता है कि आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करो, जो वीकनेस है उसे ओवरकम करो, उसे अपनी स्ट्रेंथ में बदलो, बजाय इसके कि अपने पाथ को चेंज करो, ठीक है। लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, मैं हर बात पे कहूंगा नॉट लीस्ट, मॉनिटर द परफॉर्मेंस। वो कहता है अपना ऑब्जेक्टिव जो है ना सेट करने से पहले अपनी परफॉर्मेंस को जरा मॉनिटर करो, ठीक है। मैं अगर अपने आप को कह दूं कि जी मिस्टर शायान ने तो जो है एलॉन मस्क बनना है, मेरी परफॉर्मेंस क्या है, मुझे रियलिटी पता होनी चाहिए अपनी कि यार ये मेरी फील्ड है, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं, और ये मेरी परफॉर्मेंस है, मैं बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रियलिटी को फेस करूंगा, मेरा या तो जवाब होगा हाँ, अगर मैं ऑनेस्ट अपने आप को एनालाइज करूंगा, या होगा ना, ठीक है। सो वो कहता है कि किसी ऑब्जेक्टिव को सेट करने से पहले परफॉर्मेंस को, और ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद भी कॉन्टिन्यूसली अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो।
ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू प्लान एन एमबीओ, दिस इज अ क्वेश्चन। देखो हाउ टू प्लान एन एमबीओ को मैंने बहुत आसानी से दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला है कॉम्प्लिकेशन और दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लिकेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं कि एमबीओ प्लान कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस को डील करनी पड़ती है वो है एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स। बेसिकली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमबीओ इज नॉट एन इजी प्रोसेस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट बिजनेसेस मस्ट गो थ्रू बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन्वॉल्वड एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब हायरार्किकल लेवल्स अगर आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा इंतजार करें, इसकी भी वीडियो आ जाएगी, मैं उसमें समझा दूंगा आप लोगों को। प्रॉब्लम यहां ये है कि डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स पे डिफरेंट टाइप के दिमाग, डिफरेंट टाइप के लोग इन्वॉल्व हैं। उन सबको आपने इन्वॉल्व करना है एमबीओ में, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि एमबीओ में क्या होता है, सब मिल के काम करते हैं, सब मिल के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, सब मिल के उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पाथ डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं, फिर सब मिलकर उस पर स्टिक भी हो जाते हैं। अब ये बड़ा डिफिकल्ट काम है कि डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट सोच होती है। देखो जो सीईओ लेवल के लोग बैठे होते हैं ना कामयाब ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है एक जूनियर मैनेजर से। कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग ऐसे होते हैं जहां पर यार बस 5 बजे हम घर जाएं, यार हम यहां थोड़ी आए कि इनको हम जो है वो इनका लॉन्ग टर्म जो है वो टारगेट अचीव करवाएंगे, नहीं आ रहा है तो तनख्वाह चाहिए। अब ऐसे लोगों को कैसे डील करें, उनको कैसे मोटिवेट करें, बेसिकली ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब यहां एक बड़ा प्रॉब्लम है। बेसिकली होता क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, या गोल्स जिसको आप कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सेट कौन करती है, टॉप लेवल। अब टॉप लेवल की कभी कभार जो सेट चीजें होती है ना वो अनरियलिस्टिक भी होती हैं, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट ये समझ नहीं पाती यार उन्होंने क्या सेट किया है, कैसे हो सकता है। बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सारा, ठीक है। अच्छा अब हम कॉम्प्लेक्सिटी में अगर बात करते हैं तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल, ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि एमबीओ में मैनेजमेंट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स में इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा ओवरऑल बेसिकली क्या होता है कि एम्प्लॉयज या किसी भी हायरार्किकल लेवल पे एम्प्लॉयज को ये बात पसंद नहीं होती है, वो ये नहीं चाहते कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो, ज़्यादा इन्वॉल्व हो। ये तो हकीकत बात है, ये नहीं है यार कोई चोरी कर रहा है, मगर ओवरऑल ये पसंद नहीं करते यार हर बात में मैनेजमेंट ना इन्वॉल्व हो। अब ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है कि उन्हें मैनेजमेंट को इन्वॉल्व भी होना है मगर एम्प्लॉयज को डील भी करना है कि वो बुरा भी ना माने। तो कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली स्टार्ट्स व्हेन हायर लेवल मैनेजमेंट हैज टू इन्वॉल्व एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल एंड आस्क देम टू कंट्रीब्यूट एंड रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये इतना आसान नहीं है। एक तो वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर उनसे कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी रियलाइज करो, दिस इज नॉट ईजी, ठीक है। तो ये मैंने इसे हाउ टू प्लान को दो मेन एरियाज में डिवाइड किया ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। नोट्स आप लोगों को अवेलेबल होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, अवेलेबल हो जाएंगे मेरे नोट्स आपको। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन एमबीओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? देखो प्रॉपर डिस्कशन एंड नेगोशिएशन शुड टेक प्लेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये बात जहन में रखो कि एमबीओ में ऑर्डर्स ऊपर से नीचे नहीं आते कि जनाब बस ऊपर से नीचे ऑर्डर आ रहे हैं, पास डाउन हो रहे हैं जी ऑर्डर्स। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कम्युनिकेशन होगी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से नेगोशिएशंस होंगी। नहीं सर हम यहाँ नहीं पहुँच सकते, ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो चाहती है कि नहीं हमने यहाँ पहुँचना है, बट जिन लोगों को इन्वॉल्व क्यों कह रहे हैं नहीं सर हम तो पहुँच नहीं सकते, अब नेगोशिएशन हो, नहीं सर क्यों नहीं पहुँच सकते यार, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते। उनको इन्वॉल्व किया है ना आपने, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक फील देनी है, कन्वर्ट करना है उन सबको एमबीओ के अंदर लाने के लिए, ज़रूरी है कि उनके साथ नेगोशिएशन भी की जाए, ठीक है, और साथ में उन्हें इंकरेज किया जाए कि वो पार्टिसिपेट भी करें इन नेगोशिएशन में। ये ना हो कि एम्प्लॉयज में बैठे हैं, ये ना हो, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज क्या है कि जब आप एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करते हैं ना तो इसके दो बड़े बेनिफिट्स हैं। क्या? पहली चीज ये है कि जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं ना लोग, लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, असल में इन्हें पता होता है कि मसला है कहां पे,
ये ज़्यादा जानते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक किसी स्कूल की मिसाल दे देता हूँ, मैनेजमेंट ये तय कर लेती है हायर लेवल की, नहीं जी हमने तो लेसन प्लान से स्टिक होके चलना है भाई, हमें तो दिखाना है लोगों को कि देखें जी लेसन प्लान। लेकिन असल में जो एक क्लास में टीचर उतरा हुआ होता है ना, ये वो लोग जो टीचिंग में इन्वॉल्व है ना वो अच्छी तरह समझेंगे, जो एक क्लास में टीचर उतरा हुआ है ना वो जानता है कि लेसन प्लान को मैं फॉलो करूंगा 100% या मैं सूरत हाल को ऑन स्पॉट सॉर्ट आउट करूंगा। मैंने किसी स्टूडेंट से मिसाल के तौर पर क्वेश्चन पूछा, हाँ भाई ये क्या है, इसका क्या मतलब है, सर मुझे तो नहीं आता। तुमने ये चीज सुनी है, नहीं सर। ये चीज जानते हो, नहीं सर। यार ये तो पता ही होगा, नहीं सर। अब मैं एज अ टीचर एक ऐसी डिलेमा में आ गया हूं, उस क्लास का मैनेजर हूं ना बेसिकली, मैं एक मसले में आ गया हूं, एक प्रॉब्लम में आ गया हूं कि यार मुझे इसको समझाना है और मैं लेसन प्लान से हटूंगा, आई हैव टू लीव, मुझे उस बंदे को समझाना है। तो मैं अपने लेवल को नीचे गिराता 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 लेके आऊंगा और वहां से उसको समझाते समझाते उसके लेवल को ऊपर लेके जाऊंगा। तो टीचर क्या है क्लास में, फ्रंट लाइन फाइटर है, वो उस सूरत हाल को ज्यादा समझ रहा है जो ऊपर बैठी हुई मैनेजमेंट नहीं समझ सकती, नंबर वन। नंबर टू, इसी तरह से ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि जो टॉप के ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उससे पूरी तरह से अवेयर नहीं होते, और उनसे अवेयर कौन होते हैं जो उन प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते हैं। तो अब फायदा क्या होगा कि आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगी, जब वो लोग भी इन्वॉल्व होंगे ना तो वो अपने एक्सपीरियंस से आपको राय देंगे, सर ये काम यूं नहीं हो सकता बल्कि आप ये काम ऐसे कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पहला फायदा तो ये होगा कि उनके एक्सपीरियंस से आप गेन करेंगे, और दूसरा फायदा यह होता है कि जब आप इंप्लॉइज के साथ मशवरा करने लगते हैं ना और उनको अलाउ करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करने लगे, एम्प्लॉयज मोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट फीलिंग कि यार वी आर बीइंग हर्ड, हमारी कोई वैल्यू है, हम भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें सिर्फ ऑर्डर्स मिल रहे हैं और हम किए जा रहे हैं कि नो, हमें सुन रहे हैं, हमारी कोई इंपॉर्टेंस है, हमारे एक्सपीरियंस को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है। तो क्या है ये बेसिकली, ये मोटिवेट करेगा अगर आप एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन बढ़ा देंगे। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन भी हो, एम्प्लॉय मोटिवेट भी हो, और सब मिलके एक टारगेट को अचीव करने के लिए एक सिम्त में काम करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिवॉर्ड एंड कॉम्पेंसेशन भी होनी चाहिए एमबीओ के अंदर। ये क्या होता है, देखो ऐसा नहीं है कि आप किसी को सिर्फ बोले जा रहे हैं यार काम करो हमने ये अचीव करना। देखो आपने रिवॉर्ड्स भी रखने होते हैं, छोटे रिवॉर्ड, बड़े रिवॉर्ड, टारगेट रिलेटेड रिवॉर्ड कि भाई अगर आपने इतना परसेंट अचीव कर लिया हम आपको इतना दे देंगे, अगर आपने ये अचीव कर लिया हम आपकी ये चीज़ फ्री कर देंगे। तो टारगेट रिलेटेड भी रखे जाते हैं। वर्कर्स मस्ट बी कंपेंसेटेड फाइनेंशियली फॉर देयर अचीवमेंट्स ऑफ सेट टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, नंबर वन। सेकेंडली क्या होता है, अट्रैक्टिव रिवॉर्ड सच एज बोनसेस एंड सो ऑन दे मस्ट बी गिवन, लाइक मैनेजर्स एंड वर्कर्स बोथ मस्ट बी पेड रिवॉर्ड्स। सिर्फ मैनेजर, ऐसा तो नहीं है कि उसकी टीम को मिलता जा रहा है मैनेजर को कुछ नहीं मिला तो मैनेजर गिर जाएगा ना। दोनों का ख्याल रखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको बोनसेस दें उनके टारगेट के अचीव करने के ऊपर। थर्ड चीज क्या है, डायरेक्टली लिंक कंपनसेशन विल मोटिवेट द एम्प्लॉय। आपने किसी चीज से डायरेक्ट लिंक किया हुआ है, ये करोगे ना तुम्हें ये मिल जाएगा। Try to understand. ये फोर्स करेगा आपके एम्प्लॉयज को कि वो अपने छुपे हुए पोटेंशियल को बाहर लेके आए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। Try to understand. And last thing is reward system. ये जो पूरा सिस्टम है, अच्छा इसमें बहुत सारे रिवॉर्ड सिस्टम है, सिर्फ ये नहीं कि आप उनको पैसा दे रहे हैं, आप उनको सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं, आप उनको फ्री ट्रेनिंग दे सकते हैं, बहुत सारे आप काम करवा सकते हैं, आप उनको ट्रेनिंग पे भेजने, आप उनको दो एक्स्ट्रा दिन दे दें, ट्रेनिंग पे जा रहे हो तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, दो एक्स्ट्रा दिन है थाईलैंड में गुजार लेना, समझ जाएंगे वो कितना खुश हो जाएगा। ठीक है, सो रिवॉर्ड सिस्टम विल फोर्स एवरीवन टू कंसंट्रेट ऑन द सेट टारगेट्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बेसिकली रिवॉर्ड सिस्टम जो है ना, इट विल फोर्स नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट मैनेजर्स बट द होल डिपार्टमेंट एंड द होल ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपने छुपे हुए पोटेंशियल को बाहर लाएं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूटिलाइज करें और सेट टारगेट को अचीव कर लें। ये था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO बाय पीटर ड्रुकर। उम्मीद करता हूं आपको आज ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO बाय पीटर ड्रुकर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी कर चुके हैं तो दूसरों तक पहुंचा दें ताकि उनका फायदा हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।